बाय स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करें विकास लाइफ के शेयर के बारे में। पूरे दिन का गेम समझ लो, अब कब 50 के पार होगा देखो, अब खुश हो जाओ दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में विकास लाइफ केयर का एक भी यूनिट है ना, ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यार 4.55 रुपए का हाई बना के 4.20 रुपए का लो बनाना और फिर 4.35 रुपए पे क्लोजिंग देना, इस पर ही बात होगी। पूरे दिन का गेम समझते हैं आखिरकार इस स्टॉक में हो क्या रहा है, आखिरकार ये स्टॉक कब चलेगा, क्या इसमें कभी तूफानी तेजी आएगी, क्या कभी ये 50 के पार होगा। पता नहीं कैसे कैसे सवाल है, तो सारे सवालों के जवाब इसमें मिलने वाली है। बट एक बार शेयर की डिटेल ले लेते। आज मार्केट में 2 करोड़ शेयर आए थे दोस्तों, थोड़ी सी डिटेल ले लेंगे। देखो शेयर ने रिटर्न भी दिया है, बट पिछले एक महीने से घुमा रहा है बस, और कुछ नहीं है। बट जनता बनी हुई है भाई, 10% लोग ही है जो डरी हुई है, बोल रहे हैं सेल कर दो, वरना सभी लोग बोल रहे हैं कि इसको बाय करके अपन को चलना है। अब यहाँ पर ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर की क्या हालचाल है। यहाँ पर देखो 4.35 रुपए में 15,934 का, यानी कि 16,000 का EM ऑर्डर लगा हुआ है 4.35 रुपए में। माई गॉड, आज वीडियो बहुत पोस्ट हो गया है दोस्तों। यहाँ पर वीडियो हो गया ट्राइडन लिमिटेड का वीडियो, बाइगन फार्मा का वीडियो, अपना दूसरा चैनल है चावला स्टॉक मार्केट पर, उस पर ओरिएंट ग्रीन पावर का वीडियो, ये 3 वीडियो पोस्ट हो गए हैं, देख लेना दोस्तों, ठीक है। और अपना जो दूसरा चैनल है चावला स्टॉक मार्केट भैया, उस पर ARC फाइनेंस का वीडियो आ गया है भैया। ARC फाइनेंस का वीडियो आने वाला है, बहुत ज़्यादा खतरनाक 10 वीडियो, वो देख लेना जरूर से जरूर। अब देखो यहाँ पर इंडिकेटर वगैरह को रहने देते हैं आज, क्योंकि आप भी पक गए हो इंडिकेटर वगैरह देख के। अब मैं बता देता हूँ हुआ क्या। देखो देखो दोस्तों पूरे गेम का देखो इसमें क्या हो रहा है, अपर सर्किट नहीं लग रहा। देखो आपको पता है कि लोअर सर्किट क्यों लगा था, कि चाइना में कोरोना ने तांडव मचाया था। अब चाइना की थोड़ी स्थिति ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वैक्सीन बन गई है। दूसरी बात, ये चल क्यों नहीं रहा भाई, चलेगा, अब इसको चलना ही होगा, क्योंकि Q3 की रैली कभी भी शुरू हो जाए, क्योंकि आज 27 दिसंबर हो गई है, ये महीना ये मान लो ऑलमोस्ट खत्म ही है। जनवरी है, जनवरी से क्वार्टर रिजल्ट की रैली शुरू हो जाती है, कभी भी अपन को नोटिस मिल जाएगा कि भाई इसकी स्टॉक ट्रेडिंग क्लोज हो गई है, क्योंकि रिजल्ट के पहले ये की जाती है। तो क्वार्टर रिजल्ट की रैली अब कभी भी आ जाएगी दोस्तों, तो क्वार्टर रिजल्ट की आंकड़ा देखना जरूरी है। बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे क्वार्टर रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में सब कुछ फाड़ देगा। कैसे, अडानी की तरफ से ऑर्डर मिलना, बड़ी बड़ी कंपनियों को अक्वायर करना, बड़े बड़े बिजनेस में करना, ऑर्डरों की लाइन लगी हुई थी Q2 के बाद में। तो भाई अभी स्टॉक को कोई रोकने वाला नहीं है, जितना ये नहीं चल रहा है दुखी ना हो, नहीं चल रहा है, बट ये सोचो कि गिर भी नहीं रहा, लेवल तोड़ भी नहीं रहा, एक ही जगह पर कर रहा है। अगर बाई चांस कभी लेवल तोड़ता है तो भैया दूसरे दिन सुनामी आती है और अपने लेवल पर सपोर्ट पर वापस आ जाता है। तो और पिछले देख लो 2022 है, 2022 में स्टार्टिंग में तेजी आई थी, फिर गिर गया, यहाँ पर मार्च में क्रेश हुआ था और मार्च वाले इसी सपोर्ट के आस पास आइए। पूरे पूरे देखो 12 महीने हो गए, ये साल पूरी साल ऐसी चली गई, इसमें कोई भी अपन को मूवमेंट देखने को नहीं मिला, ना कोई तूफानी तेजी देखने को मिली, बस लोग इंटरडे करते हैं कमाते हैं, बस यही हो रहा है पिछले एक साल से। बट मैं बता दूं कब तक है भाई, कब तक ऐसा होगा, Q3 का रिजल्ट है सामने, कभी भी इसमें सुनामी आ जाएगी कब। अब देखो अब की बार क्या होगा दोस्तों, कि इसमें अपर सर्किट लगेगा तो रुकेगा नहीं, बस यही बचा है इस स्टॉक में। और शायद Q3 के रिजल्ट में प्रमोटर भी हम नीचे से दबा के माल उठा लेंगे, क्योंकि देखो प्रमोटर को भी लगने लगा है कि भाई कंपनी ने विश्वास को दिया, विकास लाइफ के नाम से बदनाम हो चुका है, अब इस प्रमोटर माल उठाएंगे तभी ये शेयर स्टॉक भागेगा, सभी की थिंकिंग ये हो गई है। तो मुझे लगता है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज होगा ना अब की बार, तो भैया उसमें प्रमोटर माल उठा लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई उनको भी अब बिजनेस ऑलमोस्ट कर लिया है कंपनी वालों ने, कंपनी वालों को विश्वास दिखाना होगा, विश्वास दिलाना होगा जनता को कि जनता बनी रहे, वरना ऐसे विश्वास उठ जाएगा तो जनता दगामुखी कर देगी ना। इस वजह से प्रमोटर भी अब माल उठा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑलमोस्ट है QIP अपनी एक बाकी है, और वो भी अब कभी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर बस अब इसमें कुछ बचा नहीं है, अब इसमें तूफानी तेजी कभी भी आ जाएगी, तो ये कभी भी अब रुकने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। जितना परेशान कर रहा है ना, तो बाद में चलेगा तो गेन भी आपको देगा, तो टाइटली होल्ड कर लो, हर गिरावट में खरीद लो। फिर भी वीडियो ओनली नॉलेज के हिसाब से आपको भी एनालाइज कर लेना है, क्योंकि मैं किसी को बाय सेल करने के लिए नहीं बोलता। किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है कमेंट कर देना। थैंक यू।